तो हमारा चल रहा था व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सो फार वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज इंडिविजुअल डिफरेंस और इसके डेफिनेशंस, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। आज के लिए हमने बोला था आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, व्यक्तिगत कॉजेज, वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से कारण हैं जिनके कारण व्यक्ति भिन्नता रहती है। तो यहां पर जो इफ यू टॉक अबाउट ऑफ दिस वन देन वी फाइंड दैट कि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच आर द फैक्टर्स फॉर दैट वन, दोज आर एस हेरिडिटी, एनवायरमेंट, मैच्योरिटी, ऑल्सो कास्ट, एंड दीज आर द सम ऑफ द फैक्टर्स। क्लियर? देन First, we will go for the heredity. Earlier, we have discussed that what do you mean by heredity? Heredity means the transfer of the parental character to their offspring. ये हम सबको पता है कि माँ-बाप के गुण संतान में जाते हैं और जो हमारे माँ-बाप के करैक्टरिस्टिक होते हैं, दो द फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट और द मॉरल डेवलपमेंट, दीज ऑल आर हेरिडिटरी। तो इसका अर्थ है कि वंशानुक्रम या हेरिडिटी हमारे इस व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करता है। अब बात आती है कि किस तरह से जो है, तो इसमें जो है दो आपके स्कॉलर्स हैं, गॉल्टन और डॉडेल। इनने यह कहा है, गॉल्टन, डॉडेल आदि के द्वारा किए गए अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकला कि बुद्धि का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। दैट मीन इंटेलिजेंस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और यह हस्तांतरण, हस्तांतरण दैट मीन ट्रांसफर, उन्हीं विशेषताओं का होता है जो प्रथम पीढ़ी में पाई जाती है। जैसे जैसे खून के संबंधों की डिग्री बढ़ती है, वैसे वैसे उनमें समानताएं बढ़ती जाती हैं और असमानताएं कम होती चली जाती हैं। वी ऑल नो अबाउट ऑफ ग्रेगर जॉन मेंडल, डू यू नो, he is known as the father of genetics। usne jo hai pea par matar, he conducted his research on pea plant and gave three laws of heredity: law of dominance, law of segregation and law of independent assortment। in the first generation only dominant characters are transferred from one generation to another, that means from parents to their offspring, and in the second generation the characters are segregated, that means it is 1:2:1। in this way in the third generation that these characters are also go for the independent assortment, and he gave that the ratio is 9:3:3:1। And I know that the student who have read science in 9th and 10th, they know very well about of Gregor John Mendel. It means during the haploid process or meiosis process, the characteristics are transferred. This is after that they become diploid. First one is the हेरिडिटी, सेकेंड इज एनवायरमेंट। केवल वंशानुक्रम के आधार पर व्यक्तिगत भिन्नताएं नहीं पाई जाती, बल्कि वातावरण भी एक मुख्य कारण है। एनवायरमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जिसके कारण व्यक्ति की विभिन्न अदाएं पाई जाती हैं। जब बालक का जन्म होता है और उसके माता पिता से पैतृक विशेषताएं उन्हें मिलती हैं, तब उसके बाद आने की प्रक्रिया उसके वातावरण द्वारा प्रभावित की जाती है। वह
कहा जाता है कि अगर एक बालक को अगर अच्छा मात्रम मिले, अच्छा एनवायरमेंट मिले, तो वह अच्छा बन सकता है, और यदि उसे जंगली वातावरण मिले तो वह जंगली हो बन सकता है। बालक के विकास की दिशा और व्यक्ति की विभिन्नता को निश्चित करने में वातावरण सक्रिय होता है। दैट मीन आवर एनवायरमेंट इज वेरी एक्टिव टू मेक अ चाइल्ड अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। और वातावरण से बालक के विकास की गुणवत्ता भी निर्धारित की जा सकती है, जैसे बालक का अच्छा या बुरा होना, चरित्रवान होना और देशभक्त या देशद्रोही होना उनके वातावरण पर निर्भर करता है। एंड यू नो दैट अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857, मैनी ऑफ द पैट्रियट्स दे सैक्रिफाइस देयर लाइव्स, जिनमें बहुत सारे थे जो है चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मदन लाल धींगड़ा, ये एक से एक जो है क्रांतिकारी उस समय क्यों पैदा हुए, ये जन्म से एक जैसे थे, उनको वह वातावरण मिला कि अपने आप को क्या दिखाने का, देशभक्ति का जज्बा दिखाने का। तो इसीलिए एक बच्चे पर उसके वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ऑल द थिंग्स, जितनी अच्छाई है जितनी बुराइयां हैं वह समाज से सीखता है। गाली गलौज करना या अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, और किसको किस तरह से बोलना है, अरे बच्चे को क्या पता, इट्स माय मदर, इट्स माय फादर, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ये ताऊ है, ये चाचा है, चाची है, ये है, ये तो सब पेरेंट है, उसके एनवायरमेंट वातावरण से मिला ना। जब बच्चे से जो है पूछते हैं, अरे बेटा आपके पापा का क्या नाम है या आपकी मम्मी का क्या नाम है, और उसके बाद वो बच्चा थोड़ा और समाज में जाता है, स्कूल में जाता है, अपने समाज में बच्चों के साथ खेलता कूदता है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस वो वहां पर सीख जाता है, उसका मॉरल करेक्टर ये सो सारा फिर डेवलप होता है। देन इन दिस वे दिस इज द सेकेंड कॉज विच अफेक्ट द इंडिविजुअल डिफरेंस। फर्स्ट मैंने बताया था आपको हेरिडिटी, सेकेंड इज एनवायरमेंट, थर्ड इज द मैच्यूरेशन, परिपक्वता जिसे कहते हैं। परिपक्वता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक संरचना की वृद्धि और विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में सुधार होता है। जिस काम को हम करते जाते हैं उस काम में हम प्रवीण होते जाते हैं। वट एवर द वर्क वी आर डूइंग वी बिकम परफेक्ट आफ्टर सम टाइम। यस, एज यू नो, जब आप साइकिल चलाना सीख रहे होंगे तब आप कभी इधर गिर रहे होंगे, कभी उधर गिर रहे होंगे, जो आपको सिखा रहा होगा उसने साइकिल पकड़ी होगी, और जब आप सीख चुके होंगे तब आपको कोई मतलब नहीं, ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाती है। दैट मीन यू हैव बिकम एक्सपर्ट। द सेम वे अभी जो हम लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, थिंक अबाउट ऑफ दिस लैंग्वेज कुड वी यूज व्हेन वी वर अ चाइल्ड, नो नेवर, क्योंकि तब हमारे पास वो मैच्योरिटी थी ही नहीं। आज हम समाज में जो व्यवहार कर रहे हैं वह व्यवहार क्या हम अपने जो है एडोलेसेंट या उससे जो है चाइल्डहुड की स्थिति में कर रहे थे? नो, क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि हम में मैच्योरिटी नहीं थी। तो धीरे धीरे हम किसी काम को करते जाते हैं, देन वी बिकम मैच्योर। परिपक्वता एक मुख्य कारण होता है जो व्यक्ति की विभिन्नता को निश्चित करता है। जिन बालकों या व्यक्तियों का विकास सही से नहीं होता वे परिपक्व, जिनका विकास सही से नहीं होता वे परिपक्व नहीं होते हैं, ठीक है, और जिन बच्चों का विकास बाधित हो जाता है, जिन ऑल दो चिल्ड्रन हुज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज वेल दे आर मैच्योर, हुज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट वेल दे आर इमैच्योर, अपरिपक्व जिसे कहते हैं, उन्हें समाज में कई प्रकार से अधूरा माना जाता है और वे समाज के साथ चलने में असमर्थ महसूस करते हैं। यही कारण है कि परिपक्वता को व्यक्तिगत विभिन्नता के लिए एक कारक माना जाता है। दिस इज वन ऑफ द कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। देन फर्स्ट इज द हेरिडिटी, सेकेंड इज द एनवायरमेंट, थर्ड इज द मैच्योरिटी, और नेक्स्ट इज अगला जो चौथा है दैट इज जाति, देश और प्रजाति, रेस, कंट्री एंड कास्ट। व्यक्तिगत विभिन्नताएं जाति, देश, प्रजाति के आधार पर बदल जाया करती है।
जो विशेषताएं हमारे देश की जातियों या हमारे देश के व्यक्तियों में पाई जाती है, वे विशेषताएं अमेरिका, चीन या अन्य देशों के लोगों में नहीं होती। अर्थात जर्मनी के लोगों की सोच विचार आदि कई बातें हम लोगों से अलग होती हैं। इसलिए इन आधारों पर भी व्यक्ति की विभिन्न अदाएं अलग अलग होती हैं। इन दिस वे वी कैन से दैट देयर आर सेवरल कॉजेस व्हिच अफेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ ईच एंड एवरीवन। तो एक बार जो है फिर दोबारा मैं बता रहा हूं कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में जो क्या क्या कारण हैं उसके लिए जो है जो एरियाज हमने कल डिस्कस कर लिए थे और आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो कौन कौन से कारण थे जिसके कारण जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो अब बारी आती है कि इनमें हमारा जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसका क्या होगा और किस तरह से हम वो इसमें काम करेंगे। तो अलग अलग डायमेंशन से हम जो है यहाँ पर रीड कर चुके हैं। ठीक है, कुछ और एरियाज हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के, लाइक एज द जेंडर डिफरेंस। नीलम मैडम ने एक क्लास ली थी हमारे प्रिंसिपल मैम ने, उन्होंने बताया था जेंडर और सेक्स दोनों बोथ आर डिफरेंट टू ईच अदर। ध्यान रखना अंग्रेजी के दो शब्द हैं, वन इज द जेंडर एंड अदर इज द सेक्स। जेंडर मीन इट इज टेकन एज द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। व्हेन सेक्स इज टेकन एज द फिजिकल स्टेचर। जब हम सेक्स की बात करते हैं तो शरीर की बात करते हैं कि मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट हैं शारीरिक रूप से, और जब हम जेंडर की बात करते हैं तब हम बात करते हैं रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेल एंड फीमेल। और आजकल जेंडर इक्वलिटी की जो बात करते हैं, जेंडर इक्वलिटी मीन बोथ मेल एंड फीमेल आर रेस्पॉन्सिबल टू डू द ऑल द वर्क। और दूसरा जो है आपके सेक्स डिफरेंस के बाद आपका पर्सनालिटी डिफरेंस, इसमें अलग अलग आपके जो है आते हैं पर्सनालिटी के लिए। कल भी हमने बोला था कि जंग के आधार पर देखते हैं तो देयर आर द थ्री टाइप ऑफ पर्सनालिटीज, दैट इज एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट। इंट्रोवर्ट आर दोज हु टॉक लेस, एक्सट्रोवर्ट आर दोज हु टॉक मोर एंड एम्बिवर्ट आर दोज हु टॉक एप्रोप्रिएट। एक बार दोबारा बता रहा हूं कि जंग की पर्सनालिटी के हिसाब से देखें तो तीन तरह के जो है पर्सनालिटी होती है। एक होता है अंतर्मुखी, दूसरा बाह्यमुखी और तीसरा अभिमुखी। इंग्लिश के वर्ड दोबारा बोल रहा हूं, इंट्रोवर्ट अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट बाह्यमुखी और एम्बिवर्ट जो दोनों में उभयमुखी। एम्बिवर्ट वो हैं जो बहुत कम बातें करते हैं, बिल्कुल नहीं के बराबर। आप अगर 10 शब्द बोलोगे तब मुझसे कहीं एक शब्द निकलेगा। एक्सट्रोवर्ट वो होते हैं जो बड़बड़ करते जाते हैं, और एम्बिवर्ट वो हैं जहां जरूरत होती है वहां बोलते हैं, जहां जरूरत नहीं होती है वहां नहीं बोलते हैं। तो ये तीन करैक्टर, तो ये भी जो है व्यक्ति के इंडिविजुअल डिफरेंस को शो करते हैं। ये भी इनके एक कॉज है, पर्सनालिटी एक कॉज है इंडिविजुअल डिफरेंस या व्यक्तिगत भिन्नता के लिए। उसके अलावा पॉलिटिक्स है, रिलीजियन है, धर्म जिसे कहते हैं। और तो इस तरह से हमने कुछ ये देखा कि क्या क्या है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आपका जो करैक्टरिस्टिक्स। एक बार दोबारा विशेषताएं सुन लो, जब बहुत बढ़िया तरीके से जो है इसमें बुक में लिखा हुआ है कि नंबर वन एक है आपका, टू इंडिविजुअल्स आर नेवर इक्वल, दो व्यक्ति कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। ये इसके गुण हैं, हाँ, करैक्टरिस्टिक्स। दूसरा है मिजरेबल पर्सनालिटी ट्रेट्स अफेक्ट ईच अदर। वह पर्सनालिटी ट्रेट, वह व्यक्तित्व के गुण जिनको हम नाप तोल सकते हैं, वह व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करते हैं। ट्रेट्स इंक्लाइन टूवर्ड्स मीन एंड और एवरेज, और यह जो है जो भी गुण है उनको हम समांतर माध्य या माध्य से कहते हो, एवरेज मीन, उसके आधार पर उसकी ओर इंक्लाइंड होते हैं। डेविएशन फ्रॉम मीडिया, नेक्स्ट है आपका इंक्लूजन ऑफ मिजरेबल ट्रेट, नेक्स्ट है आपका बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, और उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ डिफरेंसेस। ठीक,
ये हमने सारी बातें तो कर ली है बहुत अच्छी तरह से। हमने ये भी पढ़ लिया कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस किस किस कारण से होता है, इंडिविजुअल डिफरेंस को प्रभावित करने वाले कारक कौन हैं, वो कौन से एलिमेंट हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंस में रहते हैं, वो कौन से एस्पेक्ट हैं विच आर फॉर द इंडिविजुअल डिफरेंस। इन सब को पढ़ने के बाद हमने एक चीज बहुत जरूरी है जो हमने जानना बहुत आवश्यक है, वो क्या है कि इस व्यक्तिगत विभिन्नता को के अध्ययन के फलस्वरूप इसका एजुकेशन में क्या अनुपयोग होगा। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक यू रिगार्डिंग इम्प्लीकेशंस ऑफ स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता। तो व्यक्तिगत भिन्नता के लिए सबसे पहला है कि यदि हमें व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में पता है, वी कैन कंट्रोल द क्लास, किस बच्चे के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, हम उसको अच्छी तरह जान जाएंगे और अपनी क्लास को वेल डिसिप्लाइन और बहुत अच्छी तरह से एक अनुशासित हमारी क्लास हो। दूसरा, अवर वे ऑफ टीचिंग विल बी सुपर्ब, विच विल बी फॉर दोज स्टूडेंट हु आर द एवरेज एंड हु आर फॉर द जीनियस। वो बच्चे जो एक क्लास में, क्योंकि देयर इज नो होमोजेनिटी इन द क्लास, किसी भी कक्षा में होमोजेनिटी नहीं रहती, समानता नहीं रहती है, किसी का IQ लेवल कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का एवरेज होता है, सबके लाइक्स डिसलाइक्स अलग होते हैं, ठीक। तो हम एक क्लास को बहुत अच्छी तरह से जो है मेंटेन कर सकते हैं डिसिप्लिन में और अपने सब्जेक्ट मैटर को अच्छी तरह से ट्रांजेक्ट कर सकते हैं यदि हमें नॉलेज है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में। उसके बाद आता है हमारा जो है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मैथड्स, विच मैथड्स वी हैव टू select for teaching of a particular subject, and you know that there are the various methods for the teaching. Teaching ki kai methods ho sakti hain. For the science, like as it is a project method, demonstration method. For the language and literature, it is as the lecture method, discussion method, sing song method, poetry method. And for the history, civics and geography, there is one of the best method, that is the excursion method. जब हम घूमने जाते हैं जिसे हम एक्सकर्सन कहते हैं। तो अलग अलग मेथड है और ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें ये सिखाते हैं कि हमें किस मेथड का कहां पर उपयोग करें जिससे अलग अलग व्यक्तियों के जो गुण हैं उनके अनुसार वह उसको समझ पाए और उसको एक्सेप्ट कर पाए। सेकेंड इज ऑल्सो द क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, जब हमें जो व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में पता है हम क्लास में बच्चों को अच्छी तरह समझ जाते हैं और बच्चों को अपने आप जो हम क्लास में ये बोलना नहीं है कि हमने क्लासिफिकेशन किया है, बट वी नो दैट इस बच्चे की क्वालिटी ये है, इसके करेक्टरिस्टिक्स ये हैं और ये बच्चा इतनी तरह आगे आगे बढ़ सकता है। तो उनको जो है आगे टीचिंग के लिए हम इंडिविजुअल डिफरेंस यदि हमें पता है देन वी गो स्मूथली एंड कन्वीनियंटली। और अगला है आपका जो है एडजस्टिंग करिकुलम, समटाइम यू गो वेरी फास्ट एंड समटाइम यू गो वेरी स्लो। जब भी जो हमने अपना पाठ्यक्रम बनाया है और टीचिंग कर रहे हैं हम कभी बहुत तेज भाग जाते हैं, बच्चों की समझ में ऊपर ऊपर से गुजर जाता है, और कभी हम क्या करते हैं बिल्कुल स्लो जाते हैं, जो एक एक्टिव बच्चा है उसको भी नींद आने लगती है। देन वी हैव टू ट्रांजेक्ट करिकुलम। इस तरह से हम अपने जो है टीचिंग जो कंटेंट है उसको इस तरह से जो है पेश करें जिससे कि वह जो है एक कम से कम बुद्धि वाला, दैट इज एवरेज इंटेलिजेंस वाला, और जीनियस 140 से अबव जिसका IQ है, वो दोनों के दोनों आपस में कॉम्प्रोमाइज करके दोनों के दोनों साथ साथ चले। टीचिंग डजंट मीन वी हैव टू बिलो द IQ ऑफ 140 टू इंक्रीज द IQ ऑफ 90। टीचिंग का मतलब ये नहीं होता है एक जीनियस बच्चे को हम पीछे ले आए किस लिए, एक एवरेज बच्चे को ऊपर उठाने के लिए, ऐसा नहीं है। टीचिंग का मतलब है जो एवरेज है उसको जीनियस तक ले जाए और जीनियस अपनी पोजीशन में रहे, और ये तभी हो सकता है जब हमें इंडिविजुअल डिफरेंस पता। उसके बाद है आपका एडजस्टमेंट ऑफ टीचर, और नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल अटेंशन, व्यक्तिगत ध्यान जिसे कहते हो इंडिविजुअल अटेंशन। तो ये इंडिविजुअल अटेंशन का मतलब है कि हम उनमें बच्चों में पूरा ध्यान दें, अलग अलग बच्चे के सारे जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए।
एंड आफ्टर दैट वी कैन प्रोवाइड गाइडेंस सर्विसेज, उनका मार्ग निर्देशन कर सकते हैं। आप पद को पता है कि गाइडेंस क्यों जरूरी है। गाइडेंस इज वेरी नेसेसरी व्हेन समवन इज एबल बट ही थिंक दैट ही इज नॉट एबल टू डू, ही डजंट हैव द कैपेसिटी टू डू दैट। जब किसी व्यक्ति में पूरी काबिलियत है लेकिन मन से वह अपने आप इतना कमजोर पड़ गया है, वह कहता है मैं तो कर ही नहीं सकता, आई कांट डू इट। अरे गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक ही पर्पज होता है, बूस्ट अप, यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, ऑलवेज मोटिवेट करना, उसको आगे एक्सेल करना, बूस्ट अप करना। और ये हमें तभी पता होगा जब हमें पता है एक बच्चा पहले ही जो बहुत तेज आगे चल रहा है उसको कर रहे होगा बूस्ट अप, वो तो ठीक है, वो तो पता है व्हाट आई हैव टू डू। लेकिन एक बच्चा जो एक कह रहा है या सोच रहा है मन ही मन कि मैं तो बिल्कुल जो है इंफीरियर हूं, एरिक्सन्स थ्योरी, जिसको जिसने क्लास अटेंड किया उसको ध्यान आया होगा, एरिक्सन्स साइको सोशल डेवलपमेंट, ट्रस्ट वर्सेस मिस्ट्रस्ट से लास्ट में इगो आइडेंटिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो एक बच्चा जो सोचता है आई कांट डू, उसके लिए गाइडेंस बहुत जरूरी है, वी हैव टू मोटिवेट। इसलिए आई ऑलवेज यूज टू से, मैं हमेशा कहा करता हूं, क्या करता हूं, ऑलवेज बी चेयरफुल व्हाट एवर द पेन यू हैव, ऑलवेज बी चेयरफुल व्हाट एवर द डिफिकल्टी यू हैव टू फेस इस बोल्डली। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा है जिसके लिए टू गिव द गाइडेंस एंड काउंसलिंग। एंड आफ्टर दैट these are some of the things for educational implication of learning of individual differences. इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखने के लिए ये बहुत सारी चीजें हैं। फिर एक बार जो है दोबारा मैं बता रहा हूँ, इसमें आपका selection of teaching method, classification of students, adjusting curriculum, adjustment teachers, individual attention, guidance services and some other useful services. Okay. Now we know that how can we measure individual differences? भाई मैंने बोल तो दिया कि हम व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखें, व्यक्तिगत भिन्नता को appreciate करें और ये कहें this is the boon of the God, और ये भी करें we have to respect individual differences. अब हमें पता कैसे चलेगा ये individual differences नापने का कोई तरीका है? Yes, there are. Surely there are some of the techniques which are used for measuring of individual differences. व्यक्तिगत भिन्नता को नापने के लिए कुछ टेक्निक है जिनके द्वारा हम व्यक्तिगत भिन्नता को नाप सकते हैं या मीजर कर सकते हैं। And in this way there is first is the rating scale. अब आप कहोगे कि सर ये क्या हो गया, ये रेटिंग स्केल क्या है? It's very easy method. Rating scale में कुछ स्टेटमेंट बना लिए जाते हैं और उसके बाद उन स्टेटमेंट में बच्चों को केवल टिक मार्क के लिए कहा जाता है और उसमें जो है दिस रेटिंग स्केल जिसे हम लिकर्ट स्केल भी कहते हैं 2-point, 3-point, 5-point, 7-point स्केल, ध्यान रखना ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रेटिंग स्केल में 2 point यस और नो, ठीक है, जैसे मैंने लिखा आर यू हैप्पी ऑल द डे, यस और नो, यस और नो, ठीक, आपने एक में टिक मार्क करना है। और मैंने उसके पहले जो है मार्क्स जो है पहले सेट किए हुए, यस मीन 1, नो मीन 0, या यस मीन 2, नो मीन 1, दिस इज द 2 option रेटिंग स्केल। और एक होता है 3-point यस अनडिसाइडेड नो, हाँ पता है, या दूसरा कोई पता नहीं, और तीसरा नहीं, और इस तरह से 5 भी होता है पॉइंट स्केल। तो इसमें रेटिंग स्केल इज वन ऑफ द मेथड बाय व्हिच वी कैन मेजर इंडिविजुअल डिफरेंस। उसके बाद है साइकोलॉजिकल टेस्ट, हैं बहुत सारे जिनका प्रयोग हम जो है इसमें लेते हैं। आफ्टर द साइकोलॉजिकल टेस्ट देयर आर द प्रोजेक्टिव टेक्निक्स टू मेजर रेटिंग स्केल। और प्रोजेक्टिव टेक्निक में जो हम पर्सनल टेस्ट को भी ले सकते हैं जिसमें रोसार्स का इंक ब्लॉट टेस्ट है, थीमेटिक एप्रिशन टेस्ट, और पिक्चर्स हो गए, और इंटरप्रिटेशन टेस्ट हो गया, और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। दीज आर सम ऑफ द टेस्ट। पहला मैंने बताया था कि इंडिविजुअल डिफरेंस नापने के लिए सबसे पहले आपका हो गया क्या, रेटिंग स्केल, सेकंड हो गया आपका साइकोलॉजिकल स्टेट, थर्ड हो गया आपका सेल्फ इन्वेंटरी, उसके बाद बिहेवियरल सैंपलिंग,
और उसके बाद इंटरव्यू. देन इन दिस वे देयर आर मेनली सिक्स वेज बाय विच वी कैन मेजर इंडिविजुअल डिफरेंस. व्यक्तिगत विभिन्नता को नापने के लिए छह तरीके. पहला रेटिंग स्केल, दूसरा साइकोलॉजिकल टेस्ट, तीसरा प्रोजेक्टिव मेथड, अगला सेल्फ इन्वेंटरी, नेक्स्ट इज बिहेवियरल सैंपलिंग एंड आफ्टर दैट इंटरव्यू. इन दिस वे दीज आर सम ऑफ द मेथड्स बाय विच वी कैन मेजर इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ एन इंडिविजुअल. इन दिस वे दिस इज ऑल अबाउट ऑफ टुडेज क्लास. थैंक यू वेरी मच. नाउ द टाइम इज गोइंग टू बी ओवर. आज के लिए इतना बहुत है. और कल है हमारा क्या है, वेडनेसडे.